हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अमेज़ोन पे अपना ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, अमेज़ोन पे ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम की ज़रूरत होती है। जैसे हम सैमसंग का फ़ोन सेल करेंगे तो सैमसंग की तरफ से या तो हमारे पास सैमसंग का जो अप्रूवल लेटर है वो होना चाहिए, या फिर हम खुद के ब्रांड नेम से भी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रांड नेम लेने के लिए आपको सीए से कांटेक्ट करना होता है, और उसके अलावा जब सीए आपका ब्रांड नेम अप्लाई कर देगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आपने अमेज़ॉन पर अपलोड करना होता है और अपनी जानकारी वहाँ डालनी होती है, जिससे आपका ब्रांड नेम अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, इस पर अमेज़ॉन पे जो ब्रांड नेम लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे ब्रांड के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा, प्रोटेक्ट एंड ग्रो योर ब्रांड विद अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और वाई अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री, तो ब्रांड रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और आपकी प्रोग्रेस वगैरह। आपका प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कोई, अगर आपको लगता है किसी ने आपका प्रोडक्ट कॉपी किया है, या फिर आपकी फ़ोटो, वीडियो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी चुराया है, तो आप उसी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रांड नेम अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्री और ब्रांड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो इसमें आप एनरोल योर ब्रांड वाले ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ योर ब्रांड नेम, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालना है। तो ब्रांड नेम जो भी आपका, जैसे आपका ना ब्रांड नेम है, सपोज करो CLAY, CLASH, सपोज करो आपका ब्रांड नेम है क्ले क्लैश। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका ब्रांड नेम कहाँ पे अप्लाई किया गया, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, जापान में। तो हमने इंडिया में अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे इंडिया डाल लेंगे, इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री TMR, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, आपके जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होता है उसमें, तो वो नंबर आपने यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे डाल देते हैं हमें 52447, और जैसे आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर दिखा देगा कि वो सही है नहीं। अगर वो सही हुआ तो भी दिखा देगा, नहीं हुआ तो भी दिखा देगा। अगर वो सही होता है तो यहाँ पे वो वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने ब्रांड नेम लिया है, उसकी फ़ोटो आपने 2 या 3 फ़ोटो डालनी होती हैं, और जो फ़ोटो हो सकती हैं वो .jpg, png या फिर gif इमेज हो सकती है, और 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी फ़ोटो का साइज़ है। उसके बाद जैसे हम दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, सपोज करो हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमारा ब्रांड नेम है जो वो अप्लाई हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें या कमेंट करें। थैंक यू।